बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9, यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करेंगे हम अपने इस वीडियो में आज। सो एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सॉल्व हम। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका पार्ट 1 है कुछ इस तरह से। टोटल इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 कुछ इस तरह से है, ठीक है। आप देख सकते हैं 3 की पावर 5 है और अपॉन में 3 की पावर 2 है, ठीक है। एक्सपोनेंट कह लें या पावर कह लें, बात एक ही है। और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारे पास बुक के पेज नंबर 15 पे कुछ लॉस दिए हुए हैं, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के नाम से। उसके अंदर काफ़ी सारे लॉस है, ठीक है। तो उसके अंदर एक लॉ है, लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, ठीक है। ये है हमारे पास 5th लॉ है। तो हमें इसकी मदद से हमारे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इस लॉ में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में अपनी। तो जैसे कि सबको पता ही होगा, ये इसको बेस कहते हैं और इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। हमने अपने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है कि हमें बेस बतानी थी और एक्सपोनेंट बताना था। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते थे और हमें उसमें से बेस और एक्सपोनेंट बतानी थी, ठीक है। तो ये सब बात सबको पता होगी कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये बात तो सबको पता होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास बेस है वो है 3 और यहाँ अपॉन में जो हमारे पास बेस है वो है 3। और आप देख सकते हैं दोनों बेस सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। लेकिन ये बात हमने याद रखनी है कि अगर हमारे पास अपॉन में वैल्यू होगी और उसकी जो पावर होगी यानी कि जो एक्सपोनेंट होगा वो अगर ऊपर जाएगा तो वो उसके साइन चेंज होगा। ये बात हमने अपनी अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ अगर हमारे पास क्या है, 3 की एक्सपोनेंट है 5, अपॉन 3 का एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है, 2, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं सेम है, तो हमने इसको क्या कर देना, एक बार लिख देंगे। 3 3 नीचे भी है और ऊपर भी है, तो हमने सिर्फ एक बार लिख दिया, ठीक है, एक बार लिख दिया। अब यहाँ हमारे पास ऊपर हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट्स की 5 है और नीचे क्या है, 2 है। अब 2 नीचे कौन से साइन में है, प्लस के साइन में है, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के साइन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ देखें बेस सेम है तो यहाँ पावर ऐड तो नहीं हो रही, यहाँ तो पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये बात हमने अपनी देखनी है कि अगर नीचे साइन माइनस का होता 2 के साथ तो ऊपर जाके प्लस हो जाती है, तो ठीक है, ये बात हमने याद रखनी है। अब इसको हम कर देंगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल इसको 3 टाइम्स बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 3 टाइम्स बार मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, ये 3 को 3 टाइम्स बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 27, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ का आंसर है, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। सो इसका पार्ट 2 कुछ इस तरह से है। तो यहाँ देख लें हमारे पास अपॉन में वैल्यूज तो है, लेकिन ऊपर जो है ना हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज है और नीचे हमारे पास सिर्फ 1 वैल्यू है। तो इसका हमें क्या करना होगा, इसका हमें एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ देख लेते हैं हमारे पास पूरा क्वेश्चन कैसा है। 2 का एक्सपोनेंट है 4 और 5 का एक्सपोनेंट है 3, ठीक है। और अपॉन में 10 की पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ हम 2 का एलसीएम ले सकते हैं, नहीं, 5 का ले सकते हैं, नहीं, तो हम किसका एलसीएम ले सकते हैं, हम 10 का एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम 10 का एलसीएम ले लेते हैं पहले। देखें यहाँ हो गया 10, ठीक है। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, ठीक है, ये 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। अब आगे ये और हो सकते हैं, तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 के टेबल से तो नहीं हो सकता ना, 2 4 ज़ा हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो ये तो 5 है, तो ये 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, हमारे पास है 2 और 5, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम है, ठीक है। तो इसका मतलब हम 10 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 10 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए ना कि अपॉन में वैल्यू हो लेकिन ऊपर 2 वैल्यू हो नीचे 1 वैल्यू हो, जैसे कि यहाँ पे है, तो हमें इस तरह से एलसीएम लेना होता है, ठीक है, क्या कि वैल्यू है ना इक्वल हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर भी 2 हो और नीचे भी 2 हो तो फिर हमारा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन उतारने से पहले सॉल्यूशन की हेडिंग ज़रूर डाल लिया करें।
अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर उतारेंगे आंसर में, ठीक है। 2 की पावर है 4, 5 की है 3 अपॉन 10 की है 2, ठीक है। अब यहाँ हम 2 की पावर 4 को ऐसे रहने देंगे, 5 की पावर 3 भी ऐसे रहने देंगे, और यहाँ हमने जो 10 को हमने एलसीएम लिया था 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसको ब्रैकेट में करेंगे और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो लिख देंगे, क्या हो गया ये 2 हो गया, ठीक है। 10 लिखा था ना, 10 को हमने तो वैसे ही लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये पावर भी तो थी ना, तो हमने ये पावर इन दोनों पे दे दी, ठीक है। ये नहीं कि पावर डालना भूल जाए, नहीं, पावर भी हमने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। ये जो 10 के ऊपर पावर थी, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई पे 5 पे पावर ये ही, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमने 2 की पावर 4 है, ठीक है, 5 की पावर 3, सो अब हमारे पास ये ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है। तो ये हमने 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 लिख दी। अभी जो नीचे हमारे पास अपॉन में जो वैल्यू है, ये 2 ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ये इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर है, तो ये अंदर दोनों वाली वैल्यूज पे इसका पावर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम 2 के साथ 2 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ 5 के साथ 2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 बाहर है ना, तो अभी अंदर हमने दोनों को देना है ना, 2 पे भी इसकी पावर जाएगी और 5 पे भी, ठीक है। तो इस तरह से हमने वैल्यू लिख दी। मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या ना लगाएं, बात यही है, इसका मतलब यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब हम देखें हमारे पास क्या हो गया, बेस देखें अब इक्वल आ गई, देखें हमारे पास यहाँ ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, और ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गई, बेस इक्वल आ गई। अब हम लिख सकते हैं एक बार 2 को, एक बार लिख सकते हैं, और यहाँ 5 को एक बार लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई का साइन लगाना है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हमने 2 को एक बार लिख दिया, 5 को एक बार लिख दिया, ठीक है। अब ये पावर क्या है, हमारे पास ऊपर 4 है, तो 2 के साथ हमने 4 लिख दी, और यहाँ पे 3 के बाद 5 के साथ हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 लिख दी। अब यहाँ हमारे पास 2 के साथ नीचे क्या थी, 2 थी, अभी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि नीचे प्लस में थी, तो ये ऊपर जाके माइनस में 2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ भी नीचे प्लस में 2 थी 5 के साथ, तो ऊपर जाके माइनस में 2 हो जाएगी, ठीक है। अब सिंपल हमने इसकी कर देना है, माइनस कर देना, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है, साइन ऑफ की वैल्यू। और 3 माइनस 2, यहाँ के 5 के साथ 3 माइनस 2, तो ये 1, ठीक है। लिखें तो लिखें, नहीं लिखें तो बात एक ही कहलाएगी, ठीक है। और साइन ऑफ फिगर वैल्यू कौन सी है, 3 है, और यहाँ पे 4 थी, उसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस का साइन लगेगा, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ हमने 2 को 2 टाइम्स बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 को 2 टाइम्स बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, और यहाँ 5 को 1 टाइम्स बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 वन ज़ा 5, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। अब सिंपल 4 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 2 थी, 2 के एक्सपोनेंट 2 थी, तो यहाँ पे हमने 2 टाइम्स पर 5 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 तो 1 था, 5 का एक्सपोनेंट क्या है, 1, तो 5 को इसका मतलब एक टाइम पर मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 ऐसे ही रहा। और तो क्या आ गया हमारे पास, 2 टू द 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो अब इसको आगे 4 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आंसर आया है, 4 5 ज़ा 20, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 भी सॉल्व करवा दिया मैंने, अब इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं पहले इसका क्या करना है, एलसीएम हमने लेना है, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास बेस इक्वल हो जाएगी, फिर हमने इसकी पावर को इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और याद रहे साइन हमें सिर्फ चेंज करना है, अगर नीचे माइनस का साइन होगा तो ऊपर जाके साइन प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। सो इसका पार्ट 3 है, ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, और इसका एक्सपोनेंट है 2, इसी तरह ब्रैकेट ओपन सी प्लस डी ब्रैकेट क्लोज, और इसका एक्सपोनेंट है 3, और नीचे हमारे पास अपॉन में वैल्यू है ए प्लस बी ब्रैकेट में है, और उसका एक्सपोनेंट यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, अगर कोई वैल्यू ना हो तो क्या होती है, 1 होती है, तो सबको पता है। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन सी प्लस डी ब्रैकेट क्लोज, और इसका एक्सपोनेंट यानी कि पावर क्या है, 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर उतार लेते हैं। ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर हो गई 2, ये सी प्लस डी ब्रैकेट क्लोज, और ये इसकी पावर क्या हो गई, 3, ठीक है।
नीचे वाली भी वैल्यू उतार लेते हैं सेम वैसी। अब देखें हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी है, ठीक है, और यहाँ नीचे भी a प्लस बी है, ठीक है। तो ये क्या बेस है, सेम है, यहाँ पे बेस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे बेस को हम एक बार लिख देंगे a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे बेस सेम है, सी प्लस डी, सी प्लस डी ऊपर भी नीचे भी सेम सेम है, ठीक है। तो यहाँ भी सी प्लस डी एक बार लिख देंगे। अब जो पावर है इसकी पावर लिख जाएगी, यहाँ पे टू है ऊपर में और यहाँ सी प्लस डी में क्या है थ्री। अब a प्लस बी के साथ जो पावर नीचे है क्या है, कुछ भी नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, वन है। तो यहाँ माइनस वन कर देंगे क्योंकि ऊपर जाके वैल्यू वो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ प्लस में है, ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस वन है, प्लस भी नज़र नहीं आता, वन भी नज़र नहीं आता, लेकिन ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के साथ जो भी वैल्यू लगेगी वो तो नज़र ज़रूर आएगी, ठीक है, चाहे फिर वो वन ही क्यों ना हो। अब यहाँ थ्री है, नीचे क्या है, टू है, तो ये टू ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का टू हो जाएगा। यहाँ प्लस का टू है नीचे, ऊपर जाके माइनस का टू हो जाएगा। अब सिंपल हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है वैल्यू को, ये टू माइनस वन है तो ये वन हो गए, ठीक है, वन लिखने की ज़रूरत नहीं। थ्री माइनस टू है तो ये भी क्या वन हो गए, और ये वन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। पॉजिटिव वन है, साइन ऑफ बिगर वैल्यू यहाँ पे टू है और यहाँ पे थ्री है, तो जो साइन की वैल्यू होगी उसके साथ चलेगी, ठीक है। तो यहाँ प्लस का साइन है तो हमें यहाँ प्लस भी लिखने की ज़रूरत नहीं और यहाँ वन भी लिखने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे ये आंसर है ए प्लस बी ब्रैकेट में और ये सी प्लस डी ब्रैकेट में, ठीक है। तो वन हमने लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि थ्री माइनस टू भी वन हुआ और टू माइनस वन भी तो वन हुआ, ठीक है। तो यहाँ हमें वन लिखने की ज़रूरत नहीं, दोनों के साइन के साथ क्या है, प्लस है, तो हमें वन लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं। तो ये हमारा आंसर है, तो उसका पार्ट थ्री भी सॉल्व कर दिया मैंने। आई होप आपको वीडियो के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। So thanks for watching this video. Allah Hafiz.